प्रयास कार्यक्रम के तहत आज गांव का भ्रमण कर रहे हैं। प्रयास कार्यक्रम में उन बच्चों के लिए प्रयास किया जाता है जिनका नाम तो स्कूल में रहता है लेकिन वो विद्यालय नहीं जाते हैं। तो हम लोग जहाँ जहाँ से जिस जिस गांव से बच्चे आते हैं उनके अभिभावक से मिल रहे हैं, उनके माता पिता से मिल रहे हैं, उन गाँव का दौरा कर रहे हैं और माता पिता और अभिभावक को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बच्चों को विद्यालय नहीं भेजिए। अभी सरकार की ओर से बहुत तरह की सहायता दी जा रही है, हर तरह की सहायता, सिर्फ ये करना है कि उनको प्रत्येक दिन विद्यालय भेजना है। एक चीज हम बताएं कि कोई जरूरी नहीं आपका बच्चा विद्यालय जा रहा है, दूसरा कोई नहीं जा रहा है, तो उस पर हम ध्यान नहीं दें। हम सबको मिलकर ध्यान देने की जरूरत है। हम सब मिलकर विद्यालय को अच्छा बनाएंगे, हम सब मिलकर लोगों को हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसलिए आज हम लोग अरवा पंचायत भवन परिसर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रांगण में जितने भी यहाँ अभिभावक मौजूद हैं, सभी अभिभावकों से, हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जो सिस्टर्स हैं उनसे, हमारे जो पंचायत भवन है उनके सभी कर्मी से और जितने गार्जियंस यहाँ आए हुए हैं सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए अपना प्रयास करें। किसी का भी बच्चा हो, कोई जरूरी नहीं कि आपका बच्चा विद्यालय जा रहा है दूसरे के लिए क्यों बोलने जाए। हम समाज में रहते हैं तो ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि किसी का भी बच्चा हो अगर वो विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसे अविलंब विद्यालय सामने ही ये दो कदम पर विद्यालय है, अविलंब उसे विद्यालय पहुंचाएं। जो भी परेशानी हो शिक्षकों से बोले, हम लोग परेशानी दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम बच्चा को शिक्षित बनाएं, वही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। शिक्षा को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग जीवन में बहुत तरह का दुख और संघर्ष देखे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दुख और संघर्ष को ना देखें, दुख ना भोगें, उनका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, तो हमको जरूरी हो जाता है कि हम सामूहिक प्रयास करें और बच्चों को विद्यालय भेजें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम लोग आज पूरे अरवा गांव का भ्रमण किए और अंत में हम लोग अभी पंचायत भवन और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रांगण में जितने भी लोग यहाँ आए हैं, विभिन्न पेशा से जुड़े हुए, विभिन्न काम से जुड़े हुए, सबसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपने बच्चों को अवश्य विद्यालय भेजें और दूसरे को भी विद्यालय भेजने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।